सीहोर जिले की ग्राम पंचायत कादमपुर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और यहाँ ग्रामीणों ने सचिव, रोजगार सहायक और इंजीनियर की मिलीभगत से आधे अधूरे कार्य पर ही लाखों रुपए निकालने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ से लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी की है। शिकायत की जांच करने के लिए जिला पंचायत सीईओ हर्ष सिंह भी टीम के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत की जांच भी की, परंतु ग्रामीण जिला पंचायत सीईओ की जांच से संतुष्ट नहीं हुए। आइए सुनवाते हैं ग्रामीणों का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। परेशान है दोनों सचिव के मारे, और एक एक रोड की निकल गई है, और मैं 12 महीने से शिकायत कर रहा हूँ, कोई मौके पर नहीं आ रहे थे, आज आए हैं मौके पर शिकायत की जांच करने। और ग्रेवल रोड भी नहीं है मौके पर, श्रीमान विधायक महोदय द्वारा दिया गया था 2 लाख रुपए, 97,000 रुपये के पत्थर पटके उस पर, और बाकी के पैसे सचिव द्वारा गमन कर लिया गया। ऐसे कई रोड है यहाँ पर कि जिनकी राशि दो दो बार, और स्कूल के ऊपर टंकी बनी हुई है, ऑनलाइन दर्शाई गई है, और मौके पर टंकी नहीं है इसके ऊपर। निरीक्षण होता है, वो भी निरीक्षण किया गया है, पंचायत के सभी कार्य देखे गए हैं और जहाँ जहाँ कमी है सुधारने के निर्देश दिए गए हैं, और वो मैंने टाइम भी फिक्स किया है, 1 महीने के अंदर ये सब कार्य जो भी हैं, जो भी कमियाँ हैं वो ठीक की जाएंगी। कुछ शिकायतें गबन को लेके थी, 2-3 जगह मैंने देखा, वो तो प्राइमरी तौर पर नहीं दिखाई दी हैं, और जो आवास की शिकायतें हैं कि झुग्गी नहीं मिल रही है, वो सब हमने नाम लिखवाने के निर्देश दे दिए, तो वो ठीक हो जाएगा। तो जो रोड मैंने देखी है दो, वो तो कंप्लीट हैं, अब एक और रोड की बात कर रहे हैं, वहाँ मैंने टीम बना दी।